खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कारोबार में आने वाला वक्त रूस के लिए मुश्किल भरा होगा, जिसकी वजह यूक्रेन का युद्ध ही बनेगा। माना जा रहा है कि अभी भले ही रूस यूरोप पर अपनी शर्तें थोप रहा हो, लेकिन पुतिन की ये दादागिरी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। यूरोप बहुत तेजी से नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप की तैयारी केवल रूस से निपटने की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की है। केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जंग आंख खोलने वाली साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल से ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। यूरोप समझ चुका है कि नेचुरल गैस और कच्चा तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए चाहकर भी यूरोप के देश रूस से दूरी बनाने में नाकाम है, लेकिन उनकी ये कमजोरी इस जंग में पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। खबर है कि जंग छिड़ने के बाद से यूरोप के देशों को पहले से ज्यादा गैस रूस से खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह बना डर और तनाव का माहौल। हर देश को यह लग रहा था कि जंग की वजह से कभी भी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है, इसीलिए उन्होंने अपने तेल और गैस के स्टॉक को भरने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए पहले से ज्यादा इंपोर्ट किया गया। फिनलैंड की एक एजेंसी के मुताबिक फरवरी में जंग छिड़ने के बाद से यूरोप में रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट $66 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ। मतलब यह कि यूक्रेन पर हमले के लिए यूरोपियन यूनियन रूस का विरोध करती रही और यूरोप के वही देश रूस की जेब भी भरते रहे। और यही मजबूरी यूरोप को एक ऐसा रोडमैप दिखा रही है जो उसे आत्मनिर्भर बनने की तरफ लेकर जाएगा। यूरोप के कई देशों ने गैस पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग कर ली है। तेजी से पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे ईंधन का विकल्प ढूंढने पर काम हो रहा है। मतलब ये कि यूरोप अब रूस का विकल्प नहीं बल्कि गैस का विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ऐसा कानून बना रहा है जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने पर बैन लगाया जा सके। हालांकि ये भी सही है कि यूरोप के ही देश इस पर एक राय नहीं, लेकिन इसका कारण ये है कि ये सभी देश रूस के तेल और गैस का विकल्प ढूंढने के लिए अलग अलग प्लान पर काम कर रहे हैं। इसलिए जिन देशों को उस प्लान में इसी साल कामयाबी मिलने की उम्मीद है, वही देश नए प्रस्ताव पर सहमत है। लेकिन कुछ रिपोर्ट दावा कर रही है कि जितना तेल और गैस अभी यूरोप तक रूस पहुंचाता है, उसके 2/3 हिस्से का विकल्प ढूंढ लिया गया है। मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट की डील लगभग कर ली गई, और ये जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा है, यूरोप की कोशिश उस जरूरत को ही खत्म करने की है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी या दूसरी किसी क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर तेजी से काम किया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि यूरोप में दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां पहले से मौजूद हैं। उनके पास अलग अलग ईंधन से चलने वाले लगभग सभी इंजन बनाने की तकनीक भी है, इसलिए ये काम यूरोप के लिए नामुमकिन नहीं है। और अगर यूरोप ने यह कर दिखाया तो पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन जाएगी। यूरोप के जर्मनी जैसे बड़े देश भी ऐतिहासिक महंगाई का सामना कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जर्मनी में 1949 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन अगर गैस और तेल पर निर्भरता कम हुई तो ये हालात काबू में आएंगे। फिर मसला केवल 31 दिसंबर 2022 की किसी डेडलाइन का नहीं, बल्कि आने वाले कल का है। जैसे जैसे तेल और गैस पर निर्भरता कम होती जाएगी, यूरोप उतना ही आत्मनिर्भर होता चला जाएगा, और इस रास्ते पर पूरी दुनिया चलने लगेगी। मतलब पुतिन का यह तेल वाला दांव पूरी दुनिया के लिए नया रास्ता दिखाने वाला हो सकता है, जिसकी वजह से रूस को तगड़ा नुकसान होना तय है। यह नुकसान केवल रूस को नहीं बल्कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस का कारोबार करने वाले दुनिया के हर देश को होगा, जिसमें पश्चिम एशिया के देश हों या अमेरिका हो। तेल और गैस के बूते अर्थव्यवस्था चलाने वाले हर देश के लिए यह बदलाव एक झटका हो सकता है। भले ही रूस ये दावा कर रहा हो कि उसने चीन और भारत जैसे नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं, लेकिन यह बदलाव उसके लिए झटका लेकर आएगा, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछले 2 साल से दबाव में। उसके बाद जंग के कारण बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों ने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि दुनिया के हर देश में तेल और गैस पर निर्भरता कम करने की कोशिश होगी। बल्कि चीन, जिसे रूस के तेल का सबसे बड़ा और सबसे नया ग्राहक माना जा रहा है, वो तो खुद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तकनीक का हब बनने की कोशिश में। जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ने लगी तो चीन पर इसका असर सबसे पहले होगा। अगर चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा तो वो रूस से तेल का इंपोर्ट भी कम कर देगा। यही हाल भारत जैसे हर उस देश का होगा जिसकी अर्थव्यवस्था पर महंगे पेट्रोल और डीजल का बुरा असर पड़ रहा है। लंबे वक्त से दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साफ ईंधन बनाने की बात कर रही है, लेकिन यूक्रेन जंग के कारण उस तरफ बढ़ने की रफ्तार बढ़ जाएगी। मतलब जो काम कुछ दशकों में होने वाला था वो कुछ सालों में हो सकता है। उधर रूस से तेल लेने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों को यूक्रेन ने युद्ध अपराधी बता दिया। जंग की वजह से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। वहां से तेल का आयात करने वालों पर भी अमेरिका की टेढ़ी नजर है।
लेकिन इस हकीकत से मुंह मोड़ना मुश्किल है कि रूस के तेल और गैस की जरूरत पूरे यूरोप को है। यूरोपियन यूनियन इस बात को समझता है, लेकिन यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपियन यूनियन की चीफ ने बड़ा फैसला किया और कहा कि उसके सभी देश रूस से तेल और गैस लेना बंद करें। But we simply have to do it. So today we will propose to ban all Russian oil from Europe. कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश में कई इसके खिलाफ हैं, क्योंकि तेल के लिए वो पूरी तरह रूस के भरोसे हैं। इन देशों में हंगरी और स्लोवाकिया का नाम शामिल है। लेकिन डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस से तेल लेने वाले यूरोपियन यूनियन के देशों को युद्ध अपराधी बता दिया। बाइडेन और पश्चिमी देश पुतिन को पहले भी युद्ध अपराधी बोल चुके हैं, और अब यूक्रेन ने उनसे मदद लेने वालों को युद्ध अपराधी बोल दिया।